हमारे संविधान को हमेशा एक पवित्र ग्रंथ माना। हर देश का अतीत उसके संविधान के पन्नों में कैद होता है और भविष्य उसके संविधान के पन्नों में। लेकिन इन पन्नों को तैयार करने में वर्षों की तपस्या और मेहनत लगती है। हौसलों की रोशनी से लिखे उम्मीद के ग्रंथ का नाम है संविधान। दो साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हिंदुस्तान के प्रतीकों को आप अपने संविधान में देख सकते हैं। भगवान राम की मर्यादा, भगवान कृष्ण का कर्म योग, भगवान बुद्ध की अहिंसा, महात्मा गांधी का सत्य, महाराणा प्रताप का शौर्य एक अंतहीन परंपरा है। उन तस्वीरों की जो हमारे इतिहास की लोक कथाओं से निकली है, उन तस्वीरों को बंगाल के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस की अगवाही में कई और चित्रकारों ने तैयार की है। हमारे संविधान की असली कॉपी प्रेम विहारी नारायण राय जादा द्वारा लिखी गई है। संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है और वो भी हाथों से। आज भी वो संविधान की पुस्तक भारत की संसद में हीलियम भरे डिब्बों में सुरक्षित तरीके से रखी गई है। इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है और संविधान की पहचान किससे होती है? संविधान का चेहरा क्या है? आखिर अगर इस संविधान को हमें एक वाक्य में समझना है तो कैसे समझे, जिसमें 12 अनुसूची, 392 अनुच्छेद और 22 हिस्से हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान को समझना है तो आप इसकी प्रस्तावना को समझिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अपनाया गया। करीब 3 साल के लगातार कानूनी राजनीतिक आर्थिक और भावुक मंथन से ये संविधान निकला। तब इसकी उंगली पकड़कर आजाद हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलने जा रहा था और भविष्यों की ओर इंगित करने वाली वो उंगली थी संविधान की प्रस्तावना। It now remains to put the motion moved by Dr. Ambedkar to the vote of the House. The question is that the constitution settled by this assembly be passed. The motion is adopted. छब्बीस जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद ये संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोपण किया और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। तब से हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप से मनाया जाता है। छब्बीस जनवरी का दिन संविधान लागू करने का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 को इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी लोगों को इस राष्ट्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Yeah.